आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ये जो दुबई स्कैंडल आया, इसके हवाले से बात तो कही जा रही है कि दुबई के एक शहर में सिर्फ रेसिडेंशियल इमारतों की अगर बात की जाए, वहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं जो पाकिस्तानी ओन करते हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टीज दुबई की तहमीर और तरक्की में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। अगर यही इमारात या यही प्रॉपर्टी या यही एसेट्स पाकिस्तान में खरीदे जाते, यही पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट होता, तो यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी ही ज्यादा आगे बढ़ सकती थी, इसका आप और मैं तस्वुर कर सकते हैं। इस वक्त दुबई की तामीर और तरक्की में इस रिकॉर्ड को देखा जाए तो पाकिस्तानी को बड़ा किरदार है। लेकिन क्या पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं? और अगर पाकिस्तान के बड़े ताकतवर सियासतदान भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ वजूहत तो होंगी। एक और बड़ा अहम सवाल यह भी है कि अभी ये नंबर आया है महज रेसिडेंशियल इमारतों का, कल को इसमें कमर्शियल इमारात जब शामिल हो जाएंगी और दुबई के बाद दीगर शहरों तक ये बात पहुंचेगी, तो फिर ये नंबर कहां तक जाएगा? यकीनी तौर पे अगर एक मोहतात अंदाजे के तौर पे भी कहा जाए, अगर सिर्फ दुबई शहर की कमर्शियल इमारात को भी शामिल कर लिया जाए, तो गालबन कभी इम्कान है कि 11 बिलियन से बढ़ के ये जो नंबर है 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। क्या इस रिपोर्ट का कुछ हासिल उसूल होगा? क्या इस रिपोर्ट का की टाइमिंग के ऊपर बात होगी? क्या पाकिस्तान में पनामा की तर्ज के ऊपर एक और केस चलेगा? और क्या केस चल के जो बात पनामा से शुरू हुई होगी, जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन की बात हुई हो, वो महज इकामा पे खत्म हो जाएगा? क्या एक बार फिर से वही कुछ होने जा रहा है? शेख साहब, जरा इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये एक रिपोर्ट का हिस्सा कहा जा सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल यूनिट्स की बात की गई है, इसमें कमर्शियल यूनिट शामिल हो जाएंगे, तो यकीनी तौर पे इसकी जो इसका तकमीना है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। व्हाट डू यू सजेस्ट कि पाकिस्तान में क्या माजी को देखते हुए इस बार भी कोई एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जाएगी या कुछ इसके ऊपर काम होगा? क्योंकि जो नाम है वो सारे सिटिंग गवर्नमेंट में मौजूद है, तकरीबन लोग सिटिंग गवर्नमेंट मौजूद है और बड़ी ताकतवर नाम है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। इस रिजीम में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बैठा हुआ है, जहां पे जजिस के घरों में मतलब कैमरे लग जाए, जहां पे जजिस के ऊपर दबाव आ जाए, जिस मुल्क की मतलब अदलिया का ये हाल हो, वहां पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये दो तीन दिन आप प्रोग्राम करेंगे, दो चार और प्रोग्राम होंगे, हम लोग आएंगे ऐसे ही बकवास करके चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, और क्या होना है? लेकिन भाई, इससे पाकिस्तान के उमूमी ढांचे पे एक पाकिस्तानी का, एक आम पाकिस्तानी का ट्रस्ट उसके ऊपर तो भर पाएगा। पनामा में दो वजीर आजम घर गए थे, हमारा गया था घर, हम तो आज तक मान ही नहीं रहे। जी शुभे जी, जी क्या कहा आपने? तो मैं ये कह रहा हूं, तो आगे इस पे कुछ होगी, कार्रवाई होगी, या आपको लगता है कि माजी की तरह कुछ सो मोटो हो सकता है? नहीं सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। अभी जो यासीन मलिक साहब ने बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप ये देखें कि इसको आप जोड़ेंगे अपना, अभी जो वीट स्कैंडल है दूसरी चीजों के साथ जोड़ें, मोहसिन नकवी वो बंदा है जो अपना जो उसका जो चैनल था अपना, क्या नाम है उसका, पुराना उसका जो था अपना मुलाजमों को तनख्वाही नहीं देता था दो दो महीने, उसको प्रेस क्लब का डेलीगेशन गया इसके पास तनख्वाही लेने के लिए कि तुमको तनख्वाही देने मजलूम क्या करेंगे, तो ये रोना शुरू हो गया कि मेरे पास है नहीं, कहां से दूं? आज इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल गई है। ये कहानी को मतलब मेरे ख्याल से ये दुनिया में तो नहीं है, लेकिन लेकिन ये बात आपने सही कही कि इस वक्त अगर ये सारा कुछ आप पर जोड़ोगे वो लोग बैठे होंगे तो इंक्वायरी होना मुश्किल है। भाई भाई मुनीर भाई, एक चीज याद आ रही है, लूटा गया। जी जी आसिफ साहब, इनके वो इतनी मेहनत से आने लगे, बाप दादा वहां पे थे जो उनको प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए। जैसे सब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो कल किसी ने एक मीम शेयर की कि आज सेनेटर मोहसिन नकवी ने वजीर दाखला मोहसिन नकवी से मुलाकात करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को यकीन दहानी कराई कि स्पोर्टी के हालात बेहतर है। तो वो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार उनका बनता है कि वो जाके बाहर जायदादें भी खरीदें और उनके ये मामला उनको सूट करते हैं ना। लेकिन यासी साहब मुझे एक चीज बताएं, माजी में फिर हम देखते थे कि कहीं ना कहीं सियासी तौर पे कुछ लचक दिखाई जाती थी,
कुछ लोगों पे जब इस तरह के इल्जामात लगते थे वो बैकफुट पे हो जाते थे, वो मीडिया को अवॉइड करते थे। इस बार कुछ तर्ज अलग नजर आ रहा है। इस बार तो ये कहा जा रहा है, इस हाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, इस बार तो ये कहा जा रहा हाँ है कि अगर प्रॉपर्टीज ली हैं तो कोई कोई गुनाह तो नहीं कर लिया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ढीठ पने की इंतहा हो गई। वो कहते हैं ना कि एक शेर है, शायद मैं ना बोल पाऊँ, गैर पार्लिमानी अल्फाज का उसमें चुनाव है बहुत ज्यादा। मसला ये हो चुका है कि हम एक बन चुके हैं, बेस का लफ्ज सिर्फ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा इन चीजों से। और हमें फर्क क्या पड़ रहा है कि हमारे जो लीडरान हैं, यानी कि ये जो नाम निहाद लीडरान है, मुख्तलिफ किस्म के गद्दारी से ये यहाँ तक जो पहुंचे हैं, कभी जनरल ज़िया की बदौलत और कभी किसकी बदौलत, आजकल 45 का जिक्र है। मसला ये है मुनीर साहब कि आपने शेब भाई से एक सवाल पूछा था कि क्या होगा, क्या शो मोटो लिया जाएगा, और भाई आप सारे इकट्ठे हैं इस बार। ये है ना कि वंड खाओ तो खंड खाओ, खंड कहते हैं पंजाबी में चीनी को, चीनी कहते हैं मीठे को, मीठे से मुराद ये है कि सब खाते हैं और मिलके खाते हैं और पूरी चास लेके खाते हैं, और ये सारे बैठ के खाएंगे, और ये 4-5 साल तब तक खाएंगे जब तक ये सिस्टम का इसका हिस्सा है। आपको और मुझको सिर्फ ये सुनने को मिलेगा कि पेट्रोल डोर पे ऊपर, पेट्रोल डोर पर नीचे, गंदों फलां से यूं और गंदों फलां से यूं। आज मरियम नवाज उठ के फलां पोजिस मार दिया, आज शहबाज शरीफ ने फलां से उधार और जो है वो पैसे मांगे और उसने यकीन दहानी करा दी। हमने यही सुनना है, हमने नहीं सुनना कि इस मुल्क के अंदर बिजली मुकम्मल हो गई, हमने नहीं सुनना। जी जी शे भाई, जी शे भाई, नहीं आप... एक मिनट बस, सिर्फ एक बात पे इतराज है जो आप कह रहे हैं ना 4-5 साल। अब मेरे ख्याल में हमारे पास 4-5 साल बचे ही नहीं है, ये जेन में रहे आपके पास। ये अगर जो आपके हालात हैं इसमें ये 1 साल निकाल जाए तो बड़ी बात होगी, अब 4-5 साल की बात कर रहे हैं। बट शुभ भाई, एक सवाल मेरे यहाँ पे है कि इस वक्त हुकूमत पूरी दुनिया में जा रही है, वहां से हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, वहां से हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस तरह की जब स्कैंडल्स सामने आते हैं तो आपको नहीं लगता हुकूमत की साख के ऊपर भी सवाल होगा? समंदर पर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे वो भी सवाल करेंगे कि आखिर इस तरह के स्कैंडल्स पाकिस्तान के मुतालिक क्यों ज्यादा आते हैं। मुनीर भाई, मैं इसमें एक चीज ऐड करके ना, मेरे से सवाल पूछा शेब भाई से, पूछा शेब भाई, शेब भाई प्लीज, शेब भाई बता दीजिए फिर यासिन भाई। जी बिस्मिल्लाह, मैं इनके जवाब दूं। देखिए देखिए बात जी, बात ये है भाई, साख होगी तो साख खराब होगी ना। मतलब ये कि आप वो जो IMF की जो वेबसाइट पे आप चले जाएं उसको देख लें, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जो इलेक्शन जीते थे उनको तुमने अपोजिशन बना दिया है, जो अपोजिशन में थे उनको तुमने हुकूमत दे दी। सही, तो हुकूमत की साख तो ये है, फार्म 47 पे बैठी हुई हुकूमत है, फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पे बैठी हुई हुकूमत है, साख इसकी क्या होगी? इंटरनेशनल मार्केट में आप मुझे बता दें इंटरनेशनली कौन सा मुल्क आपको मुंह लगा रहा है? हर एक से तो आप भीख मांगने चले जाते हो। और इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद यकीन तौर पे एक मामला तो है जो यकीन तौर पे चैलेंज के तौर पे देखा जाएगा। यासीन साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे लास्ट। यहाँ पे आपको अजीब सुन के लगेगा लेकिन इस बार एक और सिलसिला बन गया कि मियां शहबाज शरीफ और उनके साथ चंद लोग और हैं जो ये चाहते हैं कि वाकईतन इन्वेस्टमेंट आए, वाकईतन मामलात बेहतर हो जाएं और वाकईतन मामला सीधी तरफ चला जाए। उसमें चंद लोग हैं, 4-5-6 लोग कह रहे हैं, उसमें वजीर खजाना साहब को भी शामिल कर लें जो इस टाइम के वजीर खजाना है। मरियम को कहा जा रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस की ऊपर फोकस करो, और ठीक 2.5-3 साल बाद नून लीग ये चाहती है कि वो दोबारा से अवाम के अंदर जो मकबूल होने वाला बयानिया है, पॉपुलर बयानी है, उसको बेचे। और उनको मालूम है कि क्योंकि ये हुकूमत जो है वो इस तरह जोड़ी गई है कि बाकी परफॉर्मेंस दे तो वो प्लस पॉइंट, वो अगर नहीं देगा तो बैकअप प्लान रेडी है आवाम को एक मरतबा फिर लॉलीपॉप देने के लिए। और ये बात याद रखिएगा कि दोबारा से मुख्तलिफ किस्म के नारे लग सकते हैं, खान के बाहर आने से पहले ही पॉपुलर वोट की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन मसला यह है मुनीर भाई कि जितना ये अपनी सियासत के बारे में सोचते हैं, जरदारी खानदान, नवाज शरीफ खानदान, इमरान खान साहब और उनके अहल वयाल जितने भी लोग हैं जो कभी ये बयान देते हैं कि हम जो है KPK का हक लेने के लिए इस्लामाबाद को दौड़ेंगे, कभी कहते हैं हमारे 8 अरब रहते हैं, कभी कहते हैं फलां चीज का 12 अरब, कभी कहते हैं गवर्नर हाउस बंद करेंगे,
ये सारे बैठ क्यों नहीं जाते 4-5 साल के लिए, इस मुल्क को थोड़ी बेहतर डायरेक्शन दे दें, कुछ सही थोड़ा तरीकेदार ठीक, से लगा लें, ये किया जा लेकिन अपनी सकता है मर्जी और लड़ाइयां लड़ें। ये एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है। मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक और लौटेंगे जरा बलूचिस्तान की सूरत के ऊपर, हाल के ऊपर बात करेंगे। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, गरीब सूबा है, लेकिन वहां से बड़े बड़े नाम निकल के सामने हैं। वो कौन से नाम है जो इनका दुबई की प्रॉपर्टीज से बड़ा ताल्लुक है, और वो कौन से बलूच रहनुमा है जो कि साला साल से दुबई में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते रहे लेकिन शायद अपने सूबे में इन्वेस्ट करना भूल गए, उनके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।